अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ आंवले के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही सिंपल और मज़ेदार बनता है, जो फुल ऑफ विटामिन और बहुत सारे गुणों से भरपूर होता है। इस अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पर ज़रूर कमेंट करिए, लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आंवले का अचार बनाने के लिए 1 किलो आंवला लिया है। इसको मैंने अच्छे से धो के सुखा के रख लिया है। पूरा ड्राई कर लीजिए। अब इस पे पानी ज़रा भी नहीं रहना चाहिए, अगर पानी रहेगा तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 2 टीस्पून ऑफ तेल डाल लिया है। अब हम इसको, जब आपका तेल गर्म हो जाए तो इसमें आंवले डाल लीजिए आहिस्ता से और शैलो फ्राई कर लेंगे धीमी फ्लेम पर। पंद्रह से 20 मिनट लगेंगे आपको शैलो फ्राई करेंगे। इस तरीके से सॉफ्ट होने चाहिए। ये अच्छी अचार प्रेस करें तो दब रहे हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब स्टोव स्विच ऑफ कर देते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मैंने यहाँ पर 5 टीस्पून ऑफ लाल मिर्च ली है जो तीखी है, 5 टीस्पून ऑफ नमक लिया है और 5 टीस्पून ऑफ राई ली है, जिसे आप सरसों भी कहते हैं। ये मोटी वाली लीजिए, बारीक वाली लेंगे तो आपका अचार कड़वा बनेगा। ये तीनों एक ही रेशियो में होने चाहिए, राई, नमक और मिर्ची। और यहाँ पर एक छोटी कटोरी भर के सेसमे तेल, या जिसे आप तिल का तेल भी कहते हैं, वो लिया है। 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी ली है, 2 टीस्पून ऑफ मेथी ली है और 7 से 8 हरी मिर्ची, जिसको मैंने ऐसा बीच में से स्लिट करके रख लिया है। और 2 से 3 कली लहसुन की ली है, थोड़ा सा ऐसा क्रश करके डालिए, पूरा पेस्ट मत करिए, साबित भी मत डालिए। सब में पहले अब हम मेथी को पीस लेते हैं ग्राइंडर के जार में डाल के। मेथी पहले पीसिए, वरना आपको मेथी सबके साथ नहीं पीसी जाएगी। फर्स्ट मेथी को दरदरा सा पीस लेते हैं। ये मैंने मेथी का पाउडर पीस लिया है। ज़्यादा फाइन मत करिए, क्यों बोलते हैं सो अचार का जो मिक्सचर रहता बहुत फाइन नहीं रहता। अब इसी में हम लोग राई भी डाल के पाउडर कर लेते हैं। ये देखिए मेथी और राई का पाउडर, इसको हम साइड में रख देते हैं। आंवले ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसको एक नाइफ ले लेते हैं। नाइफ की हेल्प से स्लिट्स लगा लीजिए। देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं आंवले अपने, अच्छे से स्लिट्स लगा लीजिए। ऐसा आसानी से निकल जाएंगे आपके, देखिए इस तरीके से। अगर आप उबाल के या स्टीम करके करेंगे तो आपका अचार ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। ऐसे स्टीम शैलो फ्राई करके करेंगे तो आपका अचार बहुत दिन रहेगा। अगर डायरेक्ट भी करेंगे तो आपके टुकड़े जल्दी नहीं गलेंगे, आंवले के सॉफ्ट नहीं होंगे, जल्दी नहीं खा सकेंगे। ये इंस्टेंट अचार है, आप 4-5 घंटे में जल्दी खा ले सकेंगे। ये जिसमें हमने आंवला तला था वही पैन ले लीजिए, या आप दूसरा भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, मैंने वही रखा है। अब हम उसमें जो सेसमे तेल ऑयल रखे थे, देखिए 1 बॉल फुल, वो डाल लेंगे। आप सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे तिल का तेल यूज़ कर रही हूँ। जब आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए, इस तरीके से साइड से भाप आते टाइम पे स्टोव स्विच ऑफ कर दीजिए और तेल को कुनकुना होने के लिए रख दीजिए, ज़्यादा ठंडा मत करिए। कुनकुने तेल में 1/2 टीस्पून ऑफ साबित राई डाल लीजिए, इससे टेस्ट आपका अच्छा आएगा। और जो ये हम पाउडर बना के रखे थे राई और मेथी का, ये भी डाल लीजिए। अच्छे से मिक्स करिए। इसको हमने भुना नहीं था, इसलिए इसी में भुनने देंगे हम, वरना आपका अचार ख़राब हो जाएगा जल्दी, कच्चापन चले जाएगा आपका राई और मेथी का एक कुनकुने तेल में डालने से। हमने आंवला को शैलो फ्राई किया था, वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये हरी मिर्ची अपनी हार्ड है, ये हरी मिर्ची को भी ज़रा सॉफ्ट करने के लिए ये तेल में डाल लेते हैं। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे अब हम अचार को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के लिए आप कांच का बॉल लीजिए या प्लास्टिक का लीजिए, स्टील में मत करिए। ये जो आंवला हम काट के रखे थे वो डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, नमक डाल लेंगे, हल्दी, जो लहसुन
कूट के रखे थे वो डाल दीजिए। अब हम इसमें जो तेल ठंडा हो चुका है वो भी डाल लेते हैं। खट्टेपन के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑफ नेचुरल विनेगर लिया है। अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं। विनेगर डालेंगे तो आपको ज़्यादा लंबा ठहरेगा और खट्टापन भी आएगा आपको अचार। वैसे आंवला तो नेचुरली खट्टा होता है, जिसको ज़्यादा खट्टा पसंद है। इसको अच्छे से मिक्स करिए और सारे प्रोसेस में आप पानी नहीं लगे जैसा काम करिए। अगर पानी या कच्चापन रहेगा तो आपका अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। देखिए अब हम इसको ढककर 4 से 5 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। अचार कैसा बना है उसके कलर से ही पता चलता है आपको, कितना खूबसूरत कलर आया है और ग्रेवी भी कितनी अच्छी बनी है। तेल और सब मसाला सब बराबर इक्वल कंसिस्टेंसी में है। इसको अच्छे से मिलाइए, मिला के इसे कांच के जार में या प्लास्टिक के जार में निकालिए या किसी बॉल में भी निकाल सकते, स्टील के बर्तन में मत रखिए। इसे आप इजीली 1 to 2 months बाहर भी रख सकते हैं, अगर फ्रिज में रखेंगे तो उससे ज़्यादा भी आपको रहेगा। ये देखिए कितना अच्छे से गल चुका है, इंस्टेंट अचार। ये देखिए कितना मज़ेदार इंस्टेंट आंवले का अचार अपना रेडी है। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करिए, 2-3 महीने आपको ज़रा भी ख़राब नहीं होगा और मज़ेदार रहेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़रूर कमेंट करिए ताकि आपको मैं और अच्छी रेसिपीज दे सकूँ, और लाइक एंड शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।